समुद्री जल खारा क्यों होता है? आप सोचे हैं आपका पसीना कैसा रहता है? नमक। देखिए, अगर कोई समुद्र बहुत बड़ा है तो उसका पानी ज्यादा खारा नहीं होगा। अगर कोई समुद्र छोटा है तो उसका पानी खारा होगा। महासागर का जितना भी जल होता है खारा होता है, हम उसे पी नहीं सकते। अगर पिएंगे तो फिर हमारे शरीर में बीमारी आने लगेगी, डिहाइड्रेशन होने लगेगा। वो पानी जल्दी देर तक रहता नहीं है शरीर में, वो खारा पानी होता है। दूसरा, उसमें ज़्यादा देर तक रहेंगे तो चमड़वा छोड़ा देता है अपना, बहुत ज़्यादा उसका पानी क्या होता है, खारा होता है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, समुद्री जल खारा क्यों होता है? क्योंकि नदियां नमक को ले जाके समुद्र में गिरा देती हैं। हमारे अगल बगल के वातावरण में नमक बहुत ज्यादा है। आप सोचे हैं आपका पसीना कैसा रहता है? नमक। अभी पसीना जाता कहाँ है? जब तक नहाते नहीं है तब तक कहीं नहीं जाता है। आपके शरीर का पसीना वापस नहीं जा सकता है, कपड़ा सोख लेता है, नहीं तो आप लोग वे चकट के मैल बन जाता है यहाँ पे। और वो सारा का सारा पसीना जब आप नहाते हैं, हाँ जी जगमोहन, बेचारा जगमोहन को कह रहा है कि जगमोहन का पसीना महकता है। जगमोहन प्री विद्यार्थी है मेरा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जगमोहन एकदम प्री विद्यार्थी है। अब ध्यान से समझिए, हमारा पसीना कैसा? नमकीन। गाय भैंस सब चीज का पसीना नमकीन। हम नहा लेते हैं, सारा नमकीन निकल गया, वो पानी नाली में गया, नाली से बड़े नाले में, नहर होते हुए नदी में। 140 करोड़ आदमी नहाया, किसी ना किसी नदी में गया, वो बंगाल की खाड़ी में गया या अरब सागर में, फिर बना नमक। वो नमक कहाँ है? आगे सेंधा नमक खाने लायक है। देखिए, ऐसा नहीं है केवल वही नमक होता है, समुद्र में बहुत टाइप के नमक होते हैं, उसमें साधारण नमक होता है। लेकिन समुद्र में नमक बनने का मुख्य कारण नदियां हैं, क्योंकि समुद्र में कोई रहता ही नहीं, इस वजह गली मोहल्ला बकोट वकोट के कहीं ना कहीं से क्या लाती हैं सर, नमक वमक लेके आते हैं, ले जाकर उलाट देते हैं सर समुद्र में। और समुद्र को कहीं जाना नहीं है, वहां पर उसका पानी क्या हो जाता है, खारा। तो बताइए, समुद्र के जल के खारे होने का मुख्य कारण नदियां क्या है? नदियां हैं। देखिए, अगर कोई समुद्र बहुत बड़ा है तो उसका पानी ज्यादा खारा नहीं होगा। अगर कोई समुद्र छोटा है तो उसका पानी खारा होगा, ज्यादा हो जाएगा खारा। अटलांटिक महासागर का खारापन 35 है, कितना है? प्रशांत महासागर का है 31, कितना है? 30 है, कितना है? ना 31, कितना है? 31। हिंद महासागर का इसका 36 है। हिंद महासागर का 35, हिंद महासागर का 35। चलिए अब ध्यान समझिए, जितना बड़ा सागर रहेगा उसका खारापन उतना कम रहेगा। इसका परसेंटेज ऐसा साइन होता है, दूगो लगा दिया जाता है खारापन का। तो बताइए, प्रशांत महासागर का खारापन 31, अटलांटिक का 36, हिंद महासागर का 35, हिंद महासागर का 35। सबसे खारा महासागर प्रशांत महासागर, सॉरी अटलांटिक महासागर, सबसे ज्यादा खारा अटलांटिक, जिसका रीजन समझ जाइए आप खुद से। इधर से भी नदियां इधर गिर रही हैं, इधर की भी नदियां इधर गिर रही हैं, इस साइड की नदी इधर, इस साइड की नदी इधर, चारों ओर से उलाट दिया इसी में ले आके, इसका पानी क्या हो गया, खारा। हिंद महासागर का खारापन 35। देखिए, ये सारा नदी जितना इधर से आ रहा है ना, सब इसको क्या बना देगा, खारा बना देता है। प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि कितनों खारा कीजिएगा वो पंछुचूरे लगता है, क्योंकि सबसे बड़ा महासागर है। तो महासागरों में सबसे कम, सबसे कम लवणता प्रशांत, सबसे ज्यादा लवणता हाँ, और हिंद महासागर का 35। तो हिंद महासागर की लवणता को ही हम महासागरों की औसत लवणता मान लेते हैं, तो महासागरों की औसत लवणता 35।